मनुष्य जैसा सोचेगा वैसा ही होगा। सोचने की अद्भुत शक्ति। सकारात्मक सोचेगा तो खुशी मिलेगी और नकारात्मक सोचेगा का तो दुख मिलेगा। इसके पीछे का एक अनोखा रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे, तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, दुनिया जीत लो कुछ बड़ा सोचकर। हम सभी लोगों के जीवन में बड़ी सोच और मनोबल हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं। यदि हम बड़ी सोच के साथ कोई भी काम करते हैं तो हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। जब हम किसी काम को करने के लिए एक बड़ी स्तर की सोच रखते हैं तो हमारे अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा सोचा कि वह दुनिया को जीत सकता है। इसे अपना लक्ष्य बनाकर उसने अपने जीवन का हर क्षेत्र बदल दिया। उसने समय की बर्बादी से निपटना सीखा और वह अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को बदलने के लिए जो भी काम किया उसमें सफल रहा। वह उस वक्त से लेकर एक बहुत ही सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने जीवन में जो भी चुनौतियों का सामना किया उससे लड़ना सीखा और अपनी जीत को हासिल की। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसे बचपन से ही अपनी बड़ी सोच के लिए जाना जाता था। वह हमेशा से ही दूसरों से अलग सोचता था और जीवन में उसकी एक इच्छा थी कि वह दुनिया जीत ले। लड़के के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी अपनी बड़ी सोच के कारण लड़का हमेशा ऊपर उठने के लिए तैयार रहता था। उसकी बड़ी सोच उसे कुछ भी हासिल करने के लिए मदद करती थी। एक दिन लड़के को स्कूल में एक निबंध लिखना था जिसमें उसको अपने सपनों के बारे में लिखना था। लड़का ने बताया कि उसकी बड़ी सोच थी कि वह दुनिया जीतेगा। वह अपनी मेहनत, समर्पण और बड़ी सोच के माध्यम से अपनी इच्छा को पूरा करेगा। सभी लोग उस पर हंस पड़े और उसका मजाक बनाया, लेकिन लड़का हमेशा अपनी सोच के साथ खड़ा रहता था। वह अपने सपनों के लिए काम करता रहा और उसने एक दिन दुनिया जीत ली। उस लड़के ने अपनी बड़ी सोच के माध्यम से एक बड़ी कंपनी शुरू की जो बहुत तेजी से बढ़ी। उसकी सोच उसे उसके सपनों की ओर ले जाती गई और उसने उन्हें हकीकत में बदल दिया। लड़का ने अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए बहुत से बड़े निर्णय लिए। उसने अपनी टीम के साथ तंदुरुस्ती से काम किया और अपनी बड़ी सोच के तहत काम करते रहा। लड़का के सपनों ने उसे एक नया जीवन दिया। उसने एक बड़ी कंपनी बनाकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई और सफल हुआ। उसने अपनी बड़ी सोच के तहत न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि अन्य लोगों की जिंदगी भी बदल दी। उसकी दृष्टि से दुनिया जीतना अभी भी मुमकिन है। बस हमें अपनी बड़ी सोच के साथ काम करना और उसे प्रगति के मार्ग पर ले जाना होगा। लड़के ने देखा कि उसकी बड़ी सोच उसे कमजोरियों से लड़ने की शक्ति देती है। उसकी बड़ी सोच ने उसे दुनिया की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। उसने जिंदगी में उच्च रुचि के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए कभी हार नहीं मानी। उसने अपने काम को दिल से किया और अपनी बड़ी सोच के आधार पर किया। लड़के ने देखा कि उसकी सोच उसे अन्य लोगों की मदद करने की भी ताकत देती है। उसने एक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था शुरू की जो गरीब बच्चों को शिक्षा देती है। उसने देखा कि उसकी सोच अन्य लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इस लड़के ने अपनी बड़ी सोच के माध्यम से न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि दुनिया में भी बड़ी पहचान बनाई। उसने अपने सपनों को सच बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और उन्हें हकीकत में बदल दिया। उसने सबको सिखाया कि अगर आपकी सोच बड़ी हो तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। यह लड़का अपनी बड़ी सोच के कारण दुनिया के अनेक लोगों के लिए एक प्रेरणा बना। उनकी सोच ने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की ताकत दी। वह लोग जो अपनी जिंदगी में हार चुके थे उन्हें उनकी जिंदगी को फिर से जीने का जरिया बना दिया। वह लोग जो किसी भी दलदल से निकलने के लिए तैयार नहीं थे उन्हें एक राहत देने का संदेश दिया। उसने अपने बड़े सपनों के लिए किसी भी समस्या का सामना किया और किसी भी हालात में हार नहीं मानी। उसने सीमाओं को पार करने का फैसला किया और जीत हासिल की। उसने लोगों को यह समझाया कि जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी सोच रखते हैं तो आप किसी भी हद तक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस लड़के ने दुनिया को जीत लिया
क्योंकि उसने अपनी बड़ी सोच के माध्यम से न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि दुनिया में बदलाव लाने की भी ताकत प्रदान की। वह एक प्रेरणा स्रोत बना और लोगों को सिखाया कि अगर वे बड़ी सोच करें तो सीमाएं टूटने के बाद भी सफलता हासिल की जा सकती है। यह लड़का दुनिया में एक उदाहरण बना जो दिखाता है कि अगर हम बड़ी सोच करें तो हमें दुनिया में कुछ भी हासिल करने की क्षमता मिलती है। वह यह साबित करता है कि सफलता केवल उन लोगों के हाथ में नहीं होती जो आसान रास्तों की तलाश में होते हैं, बल्कि सफलता वहीं होती है जो दुनिया में बदलाव लाने के लिए बड़ी सोच करते हैं और उस बदलाव को हासिल करने के लिए समर्पित होते हैं। इस लड़के की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम खुद को विस्तार करने के लिए तैयार होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ता से काम करना चाहिए और हमेशा बड़ी सोच रखनी चाहिए। यह हमें दुनिया में असीमित अवसरों को खोलने की शक्ति प्रदान करती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, साधु का रहस्य और आकर्षण का नियम। एक बार एडेन नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु था जो हरे भरे पहाड़ के ऊपर एक शांत मठ में रहता था। एडेन अपने गहन ज्ञान और शांतिपूर्ण आचरण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन एक जिज्ञासु यात्री आकर्षण के नियम पर मार्गदर्शन पाने के लिए मठ में आया। यात्री के सवाल से उत्सुक होकर एडेन ने उसे एक शांत झील के दृश्य वाले भव्य ओक के पेड़ के नीचे बैठने के लिए आमंत्रित किया। भिक्षु ने एक कहानी सुनाना शुरू किया जो मठ में पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक कहानी जिसमें आकर्षण के नियम का रहस्य था। दूर देश में लियो नाम का एक युवा चरवाहा रहता था जिसका दिल सुबह की ओस की तरह शुद्ध था। एडेन ने शुरू किया। लियो का गांव भयानक सूखे से त्रस्त था जिससे खेत बंजर हो गए और लोग निराश हो गए। चुनौतियों के बावजूद लियो आशावादी रहा और अपने विश्वास पर अटल रहा। एक दिन जब लियो अपनी भेड़ों के झुंड की देखभाल कर रहा था, उसकी नजर चट्टानों के बीच छिपे एक चमकदार क्रिस्टल पर पड़ी। क्रिस्टल ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक छोड़ी और जैसे ही लियो ने इसे अपने हाथों में पकड़ा, उसे अपने अस्तित्व के माध्यम से ऊर्जा की एक लहर महसूस हुई। उसे कम ही पता था कि क्रिस्टल में आकर्षण के नियम की शक्ति होती है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लियो ने अपने परिवेश में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा। जो खेत कभी सूखे और बेजान थे, वे हरे भरे हरियाली से खिलने लगे और ग्रामीणों को नई आशा और समृद्धि मिली। लियो के नए पाए गए खजाने की बात दूर दूर तक फैल गई। एक शक्तिशाली जादूगर का ध्यान आकर्षित करना, जिसने अपने लाभ के लिए क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करना चाहा। जादूगर लालच और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर लियो से भिड़ गया और मांग की कि वह क्रिस्टल उसे सौंप दे। लियो ने अपने शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास से निर्देशित होकर जादूगर की धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर जादूगर ने काले जादू की एक धारा फैला दी। लियो को नष्ट करने और क्रिस्टल पर अपना दावा करने का इरादा रखता है। हालांकि क्रिस्टल ने लियो की आंतरिक रोशनी और प्रेम को प्रतिध्वनित किया, जिससे एक सुरक्षात्मक बाधा उत्पन्न हुई जिसने उसे नुकसान से बचाया। प्रकाश की एक चकाचौंध चमक में जादूगर को परास्त कर दिया गया और भूमि पर शांति बहाल हो गई। लियो अब पूरी तरह से जागरूक है आकर्षण की शक्ति के नियम ने। उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए प्रचुरता और खुशी लाने के लिए क्रिस्टल का उपयोग किया। जैसे ही एडेन ने अपनी कहानी समाप्त की, यात्री आश्चर्यचकित रह गया। उसे कहानी के भीतर छिपी गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। भिक्षु ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, आकर्षण का नियम केवल इच्छाओं को प्रकट करने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के इरादों की शुद्धता और ब्रह्मांड के साथ उसके दिल के संरेखण के बारे में भी है। लियो की तरह आप हमेशा डर के बजाय प्यार और अंधेरे के बजाय प्रकाश को चुनें। और इसके साथ ही यात्री ने उस बुद्धिमान भिक्षु को विदा किया जो अपने साथ भिक्षु के रहस्य और आकर्षण के नियम का कालातीत ज्ञान लेकर गया था। ये जानते हुए कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन में नहीं बल्कि आत्मा की समृद्धि में निहित है, तो दर्शकों, चलिए अब
हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, एक दूर देश में पहाड़ों की हरी भरी हरियाली के बीच कवि नाम का एक बुद्धिमान और विनम्र साधु रहता था। कवि आकर्षण के नियम के गहन ज्ञान के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लोग अपने विचारों की शक्ति के माध्यम से अपनी गहरी इच्छाओं को कैसे प्रकट करें, इस बारे में उनका मार्गदर्शन पाने के लिए निकट और दूर से यात्रा करते थे। एक दिन सोमा नाम का एक परेशान ग्रामीण भारी मन से कवि के पास आया। सोमा ने भिक्षु को समझाया कि वह अपने खेत में संघर्ष कर रहा है और मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है। कवि ने सोमा की व्यथा को ध्यान से सुना और फिर अपना ज्ञान प्रदान किया। कवि ने शुरू किया, आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है जो आपके द्वारा ब्रह्मांड में उत्सर्जित ऊर्जा को वापस प्रतिबिंबित करता है। यदि आप संदेह और भय के बीज बोते हैं तो आप निराशा की फसल काटेंगे, लेकिन यदि आप सकारात्मकता और विश्वास के बीज बोते हैं तो आप भरपूर फसल काटेंगे। सोमा ने भिक्षु के शब्दों को समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। तब कवि ने सोमा को एक छोटा चिकना पत्थर दिया और उसे इसे हमेशा अपने पास रखने का निर्देश दिया। कवि ने समझाया, यह पत्थर आपके विचारों की शक्ति की याद दिलाएगा। हर बार जब आप इसे छुएं, तो सकारात्मक इरादों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने खेत की समृद्धि की कल्पना करें। सोमा ने कृतज्ञतापूर्वक पत्थर ले लिया और भिक्षु के मार्गदर्शन का पालन करने का वादा किया। अगले कुछ हफ्तों में सोमा ने आकर्षण के नियम का परिश्रम पूर्वक अभ्यास किया और अपनी ऊर्जा को अपने खेत की सफलता की ओर लगाया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे जल्द ही फर्क नजर आने लगा। उसकी फसलें अधिक प्रचुर मात्रा में बढ़ीं, उसके पशुधन स्वस्थ हुए और उसका दिल हल्का हुआ। सोमा के परिवर्तन की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही अन्य लोगों ने आकर्षण के नियम पर मार्गदर्शन के लिए कवि से संपर्क किया। भिक्षु ने उन सभी का खुली बाहों से स्वागत किया, अपना ज्ञान साझा किया और बेहतर वास्तविकता बनाने के लिए अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करने में उनकी मदद की। जैसे जैसे मौसम बीतता गया, एक बार संघर्ष करने वाला गांव आशा, समृद्धि और कृतज्ञता से भरे एक संपन्न समुदाय में बदल गया और इन सब के केंद्र में कवि, वह भिक्षु था जिसकी शिक्षाओं ने सकारात्मकता और प्रचुरता की क्रांति ला दी थी। कहानी का सार यह है कि आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे जीवन को गहन तरीकों से आकार दे सकता है। सकारात्मकता, विश्वास और कृतज्ञता की मानसिकता विकसित करके हम उस प्रचुरता और आनंद को आकर्षित कर सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। कहानी में ग्रामीणों की तरह हमारे पास दुनिया में खर्च की गई ऊर्जा के माध्यम से अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की शक्ति है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, आकर्षण का नियम, बुद्धिमान साधु की कहानी। हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक शांत गांव में मास्टरली नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। वह अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और आकर्षण के नियम की प्राचीन कला की शिक्षाओं के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। मास्टरली का मानना था कि विचारों में वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है और वह अक्सर जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मकता बनाए रखने के महत्व के बारे में बात करते थे। उनकी शिक्षाओं का ग्रामीणों द्वारा सम्मान किया जाता था, जो खुशी और दुहक दोनों के समय में उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन काई नाम का एक युवक परेशान मन से मास्टरली के पास आया। काई कई वर्षों से गरीबी और दुर्भाग्य से जूझ रहा था और आकर्षण के नियम की शक्ति में उसका विश्वास उठने लगा था। मैंने आपकी शिक्षाओं का पूरी लगन से पालन किया है मास्टरली, काई ने दुख से भारी आवाज में कहा, लेकिन फिर भी मैं खुद को पीड़ा और निराशा से घिरा हुआ पाता हूँ। क्या मैंने आकर्षण के नियम का सही ढंग से अभ्यास नहीं किया है? मास्टरली ने काई की ओर करुणा भरी आंखों से देखा। वह जानता था कि उस युवक की पीड़ा गहरी है और उसने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा, काई, आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन यह केवल सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है।
ये आपके विचारों, शब्दों और कार्यों को आपकी गहरी इच्छाओं के साथ संरेखित करने के बारे में भी है। मुझे बताओ, वह क्या है जो आप वास्तव में जीवन में चाहते हैं? काय ने उत्तर देने से पहले एक क्षण सोचा। मैं प्रचुरता, समृद्धि और खुशी चाहता हूँ मास्टर ली, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये चीजें मुझसे दूर ही नजर आती हैं। मास्टर ली ने काय की दुर्दशा को समझते हुए सिर हिलाया। फिर उसने काय को बीजों से भरी एक छोटी थैली दी और उन्हें गांव के पास घाटी में बोने का निर्देश दिया। मास्टर ली ने कहा, हर दिन सकारात्मक विचारों और इरादों के साथ इन बीजों को पानी दें और देखो जैसे वे एक विशाल बगीचे में विकसित होते हैं। काय ने मास्टर ली के निर्देशों का लगन से पालन किया, बीजों की देखभाल की और प्यार से उनका पालन पोषण किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, एक बार बंजर भूमि जीवंत फूलों और हरी भरी हरियाली से खिलने लगी। ग्रामीण इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित हुए और आकर्षण के नियम की रहस्यमय शक्ति के बारे में कानाफूसी करने लगे। एक शाम जब काय खिले हुए बगीचे के बीच बैठा था, मास्टर ली हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आए। देखो काय, जो बीज तुमने बोए थे वे सिर्फ साधारण बीज नहीं थे, वे इरादे के बीज थे जो इस गहरे विश्वास के साथ बोए गए थे कि प्रचुरता और समृद्धि आपकी पहुंच के भीतर है। काय ने मास्टर ली की ओर देखा, उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। अब मैं समझ गया मास्टर ली, आकर्षण का नियम केवल चीजों को बदलने की इच्छा रखने के बारे में नहीं है, ये प्रेरित कार्रवाई करने और अपने विचारों की शक्ति में विश्वास करने के बारे में है। और इसलिए आकर्षण के नियम की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमान भिक्षु मास्टर ली के मार्गदर्शन से काय का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। गांव फला फूला और वहां रहने वाले सभी लोगों ने यह अमूल्य सबक सीखा कि सच्ची प्रचुरता भीतर से आती है और किसी के सपनों को प्रकट करने की शक्ति उसके अपने दिल की गहराई में होती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी, तिब्बत के शांत पहाड़ों में। तेंजिन नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था जो आकर्षण के नियम की गहरी समझ के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उन्होंने वर्षों तक ध्यान और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था जो विचारों और इरादों की शक्ति के बारे में बात करते थे। तेंजिन का मानना था कि हमारे विचारों में अपार शक्ति होती है और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम आकर्षित कर सकता है। वह अक्सर मठ में युवा नौसिखियों को बताते थे कि समान समान को आकर्षित करता है और ब्रह्मांड उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जो हम दुनिया में डालते हैं। एक दिन कार्लडेन नाम का एक युवा नौसिखिया अपने चेहरे पर परेशान भाव लेकर तेंजिन के पास आया। मास्टर तेंजिन, उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आकर्षण के नियम में विफल हो रहा हूं। तेंजिन ने कार्लडेन की ओर देखकर मुस्कुराया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे प्रिय कार्लडेन, आकर्षण का नियम केवल कुछ चाहने और उसके जादुई रूप से प्रकट होने की उम्मीद करने के बारे में नहीं है। यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करने के बारे में है। फिर वह कार्लडेन को एक किसान के बारे में कहानी सुनाने लगा जिसने अपने खेत में बीज बोए थे। किसान ने बीजों को पानी दिया और उनकी देखभाल की इस विश्वास के साथ कि वे स्वस्थ फसल उगाएंगे, लेकिन जब फसल आशा के अनुरूप नहीं हुई तो किसान निराश और अधीर हो गया। हार मानने के बजाय किसान ने अपने कार्यों पर विचार किया और महसूस किया कि वह अपनी फसलों की देखभाल करते समय पूरी तरह से उपस्थित नहीं था। उन्होंने अपने मन में शंकाओं और डर को हावी होने दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मैदान में लगाई जा रही ऊर्जा प्रभावित हुई। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ किसान ने हर दिन कृतज्ञता और कल्पना का अभ्यास करने का फैसला किया। उसने कल्पना की कि उसका खेत हवा में लहलहाती हरी भरी फसलों से भरा हुआ है और उसे उस प्रचुरता के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस हुई जो उसके जीवन में पहले से ही मौजूद थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए,
किसान को अपनी फसल में बदलाव नजर आया। वे लंबे और स्वस्थ हो गए और जल्द ही उनका खेत भरपूर फसल से भर गया। किसान ने जान लिया था कि आकर्षण का नियम केवल इच्छाधारी सोच से नहीं बल्कि सचेतन क्रिया और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से काम करता है। तेनजिन ने कार्ल डेन की ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, आकर्षण के नियम में महारत हासिल करने की कुंजी बाहरी धन की तलाश में नहीं बल्कि आंतरिक प्रचुरता को विकसित करने में निहित है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को कृतज्ञता और सकारात्मकता के साथ जोड़ते हैं तो ब्रह्मांड मैं आपके लिए वह सब लाने की साजिश करूंगा जो आपका दिल चाहता है। कार्ल डेन ने समझ में सिर हिलाया। उसे अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस हुआ। उस दिन से उन्होंने खुद को तेनजिन की शिक्षाओं का अभ्यास करने के लिए समर्पित कर दिया और पाया कि वह आसानी से अपने जीवन में प्रचुरता और खुशी को आकर्षित करने में सक्षम थे। और इसलिए बुद्धिमान भिक्षु तेनजिन और उनके युवा प्रशिक्षु कार्ल डेन ने आकर्षण के नियम की शिक्षाओं का प्रसार जारी रखा। दूसरों को अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करने और प्रेम, समृद्धि और पूर्णता से भरा जीवन बनाने के लिए प्रेरित किया। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। को छठी कहानी, जैसा बोगे वैसा पाओगे। एक गांव में एक बाबा जी थे। वे हमेशा कहते थे, जैसा बोगे वैसा पाओगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे। गांव के कुछ लोग बाबा जी का मजाक उड़ाते थे, उनके इसी बात पे उनकी खिल्ली उड़ाते थे, ये कह के कि ये बाबा कुछ भी बोलता है। वहीं कुछ लोग बाबा को और उनकी बातों को नजरअंदाज भी कर देते थे। एक बार बाबा जी ऐसे ही बैठे बैठे अपना यही वाक्य दोहरा रहे थे, तभी वहीं से एक बेरोजगार युवक गुजर रहा था और उसके कानों पर बाबा जी का यह वाक्य पड़ा। उसने यहां वहां देखा, फिर आवाज की ओर बढ़ा तो बाबा जी को यह वाक्य कहते हुए पाया। उसने बाबा जी से इसका अर्थ पूछा और कहा कि मुझे भी जीवन में कामयाबी चाहिए, मुझे भी कामयाब बनना है। मैं हीरो का व्यापार करना चाहता हूं, मुझे हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना है। बाबा जी ने उस उत्तर देते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत ही कीमती हीरा और मोती देता हूं, जिससे तुम अपना हीरो का व्यापार शुरू कर पाओगे और जो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी की ओर ले जाएगा। तभी बाबा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और उस युवक ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। बाबा ने अपनी झोली से अपना हाथ निकाला और युवक की एक हथेली पर रखते हुए बोले, ये जीवन का एक अनमोल हीरा है, समय। हमेशा समय की कदर करो तो समय तुम्हारी कदर करेगा। कभी समय को बर्बाद ना करो वरना समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। फिर बाबा जी ने अपना दूसरा हाथ झोली से निकाला और युवक की दूसरी हथेली पर रखा और बोला, ये मोती है धैर्य। जीवन में कभी भी धैर्य नहीं खोना। अगर कामयाबी कभी तुम्हारे हाथ ना भी लगे तो धैर्य रखो और मेहनत से कर्म करते रहो। धैर्य ना छोड़ो, कामयाबी दुगनी होकर तुम्हारे पास आएगी। युवक बाबा की बात समझ गया और बाबा जी का धन्यवाद करते हुए वहां से चल पड़ा। उस दिन से उस युवक ने बिना कोई समय व्यर्थ किए जो भी कार्य किया वो बहुत ही मेहनत से किया। एक दिन उसे एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास नौकरी मिली। उसने बड़े ही मेहनत से काम किया और हीरो का पूरा व्यापार और हीरे की गुणवत्ता के सारे प्रमाण समझे। फिर युवक ने अपना कारोबार शुरू किया और एक दिन वो खुद हीरो का बेहद बड़ा व्यापारी बना। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, कहते हैं भगवान की बनाई इस दुनिया में सबसे बलवान समय को माना गया है। जब भी बदलता है तो इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। इसके कहर से राजा महाराजा तक घबराते हैं। हर कोई चाहता है कि यह हमेशा उनका साथ दें। तो हमें भी समय को कभी भी बुरी चीजों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए और समय का सही उपयोग करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे सातवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। सातवीं कहानी की जगह कुछ सकारात्मकता के ऊपर उपाय। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। पहला उपाय, आप अपनी सोच को बदलो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी एवं सुख दुहक का कारण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्माण किए संकल्प की वजह है। कोई कहते हैं
सुख और दुहक देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान न हमें सुख देता है न दुहक देता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो वह भी कर्म बंधन में आ जाएगा, किंतु परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त है। जब आप नेकी के राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का रास्ता अवश्य बताता है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना है। बाकी आपकी सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हो तो ठीक उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपके आस पास बन जाएगी, और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल बनता जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते ही जैसी चाहे आपकी तकदीर बदल सकते हो। आपके पास एक विकल्प है कि मैं किस तरह सोच का चुनाव करता हूँ। जो स्वयं आप करना चाहते हो उसी तरह आप अपने जिंदगी में अनुभव करने लगेंगे। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदले। इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाले हर विचार पर निगरानी रखनी होगी। आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक बनना पड़ेगा। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुने और स्वयं को संकल्प दे कि मैं अपने विचारों का मालिक हूं। आप अपने विचार बार बार दोहराइए। एक प्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अंबानी जी का कहना था कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अब्राहम थॉमस लिंकन भी कम पढ़े लिखे थे। अपनी गरीबी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई जैसे वैसे पूर्ण की थी। उनके जीवन में काफी परेशानियां आई, किंतु वे कभी परिस्थिति से मायूस नहीं हुए। हर वक्त सकारात्मक विचार और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते गए और एक दिन वे संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति बने। दूसरा उपाय, अपने आप में सपने सजाने की आदत डालो। सपना सजाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने मानसिक पटल पर कोई तस्वीर देखते हो तो वह सबसे पहले आपके वृत्ति में आता है, और वही प्रक्रिया अगर हम बार बार करते हैं तो वह हमारे संस्कार बन जाते हैं और वैसी हमारी प्रवृत्ति बनती जाती है। तो हमारे मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण ये है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आप तस्वीर बनाने लगते हो तो आपके मन के भाव जागृत होते जाते हैं, और यह भावनाएं जितनी सशक्त होंगी उतनी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके लिए सकारात्मक वायुमंडल बना देगी। राइट ब्रदर ने ठान ली थी कि आखिर हमें आकाश में उड़ना ही है। सन 1903 में उनकी मेहनत कामयाब हुई और दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज की निर्मिति हुई। तीसरा उपाय, अपने दिमाग को शांत रखे। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक मजेदार तरीका है, अपने दिमाग को शांत रखिए। उसके लिए नित्य सुबह शाम आधा घंटा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सारा शरीर चार्ज हो जाता है, जिसके कारण दिन भर स्फूर्ति रहती है। व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों का परहेज करें। ऐसे माहौल से दूर रहे, झूठी बातें झूठा व्यवहार न करें, जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क वितर्क करता है। एक झूठ छिपाने के लिए मन हजार विचारों की सलाह लेता है और सच बोलने वालों को बस एक बार ही कहना पड़ देता है, और उसका मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता। हमारे ऋषि मुनि के वाणी में इतना पावर होता था कि वह जो कहे सत्य हो जाता था। सत्य बोलने से वाणी की सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है और हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हमारे केवल एक संकल्प मात्र से सफलता मिल जाती है। चौथा उपाय, अपने आप पर यकीन करें। आप पहले अपने प्रति यकीन करना सीखें, अपने आत्मविश्वास को जगाए कि मैं किसी भी हालत में मेरा हक प्राप्त कर ही लूंगा। जीवन में जो चीज आपको चाहिए उसके लिए ऐसा पूरे विश्वास के साथ समझे कि ये चीज अब मेरी हो चुकी है, मैं उसका हकदार हूं और मैं उसका मालिक हूं। आप जो चाहे पा सकते हो, बस उसे अपने विचारों के सांचे में ढलने का आपको तरीका आना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा ना हो सके। आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख ले। उसके कारण आप अपने पाने के दरवाजे ज्यादा खोल लेते हैं। आप जब बीमार पड़ रहते हो तब जब आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिन पर आपका 100% यकीन है, वे अगर आपको एक शुगर की गोली देकर बढ़ रहे विश्वास के साथ कहे
आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी डॉक्टर के प्रति आस्था आपको ठीक कर देगी। पांचवा उपाय, प्राप्ति की महसूसता करें। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा सोचें कि वह चीज आपको मिल गई। मनचाही चीजों की साकार कल्पना करें। इस प्रक्रिया को अच्छा महसूस करते समय आप स्वयं को उसी फ्रिक्वेंसी पर रखते हो जहां पर आपकी मनपसंद चीज है। स्वयं को उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि मैं अभी इसे पा रहा हूं, मुझे तमाम चीजें इसी समय मिल रही हैं। बस मन में दृढ़ विश्वास भरो, मिलने की भावना को सचमुच महसूस करो कि वाकई उस चीज को पा लिया है। आप छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं, जैसे आपका कोई पुराना मित्र है, वह जैसे आपको मिलने आया है। कल्पना करें और उससे मन ही मन बातें करें कि जैसे वह सामने आया है। आप यकीन करें कि उसका फोन या समाचार या स्वयं जरूर मिलने आएगा। मैंने भी यह शुरुआत की थी कि मेरा मनपसंद का खाना मेरी पत्नी बना रही है। मैं उस व्यंजन को देख रहा हूं और पत्नी की प्रशंसा कर रहा हूं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, कितना टेस्टी खाना बनाया है। जब मैं घर पर पहुंचा तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि वही व्यंजन मेरी पत्नी ने बनाकर रखा है। पूछने पर बताया कि बस आज तुम्हें तुम्हारे मनपसंद खाना खिलाने का मेरा मन हुआ। यह घटना एक बार नहीं, कई बार हुई है। इसमें शर्त है आपसी पति पत्नी में संबंध घनिष्ठ हो। छठा उपाय, अपने अतीत को भूले। अक्सर हम पिछली गुजरी जिंदगी की दास्तान सबके सामने बार बार दोहराते रहते हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं उस घटना को भूल नहीं सकता। मैंने बहुत खराब दिन देखे। इस तरह हम अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा भरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद कर दुखी होता है, वह उस दुर्भाग्य और निराशाओं को बार बार भोगता है। वह भविष्य के लिए दुर्भाग्य की मानो प्रार्थना करता है। तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। आप अतीत को याद कर आपके वर्तमान में मुश्किलें पैदा कर रहे हो। हमेशा याद रखो कि आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार हो। बस ऐसा समझो कि भाग्य बनाने की कलम मेरे हाथ में है। ऐसा कभी नहीं सोचो कि मैं यह कर नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं नहीं हूं। यह कहकर आप अपना भविष्य को गलत मार्ग पर ले जा रहे हो। आप स्वयं को यह संकल्प दे कि मैं ऊर्जावान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं आमिर हूं, मैं प्रेम पूर्ण हूं, मैं खुश हूं। इस तरह की संकल्प धारा आपको हर परिस्थिति को अनुकूल करा देता है। बस आपका संकल्प शक्तिशाली हो। मन में यह संकल्प ना लाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसका उदाहरण मेरा स्वयं है। मैं एक छोटे से कस्बे से हूं और एक बहुत गरीब परिवार से हूं। मेरे नाना नानी के घर में बिजली भी नहीं थी। ऐसे जगह मैंने पढ़ाई की, लेकिन मेरा सपना एक ही था। बचपन में जब मुझे हवाई जहाज उड़ने की आवाज मेरे कानों से टकराती, में दौड़ाकर बाहर आता और अपनी नानी से कहता कि मुझे उसमें बैठना है, जबकि वह आकाश में कभी कभी दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन मेरा हौसला इतना बुलंद था कि मेरा एक ही सपना था कि मैं हवाई जहाज में एक दिन अवश्य बैठूंगा। मेरा यह निरंतर का संकल्प ने मेरा आखिर सपना पूरा किया और मैं आज एक बड़ी हवाई जहाज की कंपनी में कार्यरत हूं। कहने का भाव है दोस्तों, कभी भी ना उम्मीद ना बनो, अपना हौसला हमेशा बुलंद रखो। आखिर आपकी विजय हुई पड़ रही है, भाग्य आपके इंतजार में है। बस आप अपनी मंजिल पर निरंतर प्रयास करते बढ़े। चलो तो दर्शकों, चलिए अब हमारे आठवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। आठवीं कहानी, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया,
और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में ये सोच कर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा आचार है, मैं आचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में आचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें आचार का स्वाद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम आचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने आचार सोचा तो आचार का स्वाद आया, तो और स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था मित्रों। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा और समय खपत होगी जितनी बड़ी सोच में। इसलिए जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा ही सोचो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से